अस्सलाम वालेकुम। हम आज बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी। तो ये मैंने थाइस वाला जो पीस होता है चिकन का वो ले लिया है, और इस पर मैंने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने से ये होगा कि मैरिनेशन अंदर तक जाएगा मसाला, तो चिकन टेस्टी बनेगी। तो ये हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया है। दही ज़्यादा पानी वाला नहीं होना चाहिए आपका, हंग कट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। मसालों में मैंने लिया है सब 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और मैंने तंदूरी मसाला भी लिया है। अगर आपके पास किचन किंग मसाला है तो आप तंदूरी मसाले की जगह वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे और रेड फूड कलर ऐड करेंगे। रेड फूड कलर डालने से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा इसका रेड कलर आएगा चिकन का। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। सारे मसालों को मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से। अब इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। विनेगर डालने से ये होगा कि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाएगी, पकने में इजी हो जाएगा चिकन को। और ये ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून इसमें। तो सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप चाहें तो इस वक्त भी ऑयल डाल सकते हैं मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून। तो ये देखिए मसाला हमारा बनकर रेडी है। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे कट्स के अंदर तक। आपको मसाले को अच्छी तरह से लगाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको कट्स के अंदर तक मसाले आपके अच्छी तरह से लग जाने चाहिए। हम इसको विदाउट तंदूर और विदाउट ओवन बनाने वाले हैं। फ्राई पैन में बनाएंगे हम इसको। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बनती है ओवन में भी ये। तो सारे चिकन पर इसी तरीके से हम मसाले को लगा लेंगे। तो ये देखिए मसाले को मैंने लगा दिया है। अब आप इसको कवर कर दीजिए, किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो कवर करने के बाद इसको ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं मैरिनेट करने के लिए, या फिर 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। 2 घंटे तो रखना ज़रूरी है, तभी ये टेस्टी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो बेहतर होगा कि आप ओवरनाइट रख ले या 6 से 7 घंटे इसको मैरिनेट कर ले, क्योंकि जितना आप इसको मैरिनेट करोगे उतनी ही टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी आपकी तंदूरी बनकर तैयार होगी घर पर ही। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए चिकन को रख रहे हैं तो फ्रीज में रखना है। तो ये देखिए मैंने 6 घंटे इसको मैरिनेट किया था, और ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है चिकन हमारी। अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। और अगर आप ओवन में इसको बना रहे हैं तो 250 टेम्परेचर पर आप इसको आधे घंटे के लिए कुक कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, और आप नॉन स्टिक पैन लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब चिकन को हम रख देंगे। इस तरीके से रख देना है चिकन को, और इसको लो फ्लेम पर कवर करके 10 मिनट तक पकाएंगे। कवर इसलिए करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस है तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। कवर करने से ये जल्दी से गल जाएंगे। तो दोनों साइड 10 मिनट हम कुक करेंगे, और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन अलग होना शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं आप, हड्डी में से चिकन अलग हो रही है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। दूसरी साइड पर भी कवर करके ही पकाना है 10 मिनट। तो ये देखिए दूसरी साइड पर भी 10 मिनट हमने पका लिया है।
चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है। जब चिकन हड्डी को छोड़ना शुरू कर देती है तो समझ जाइए कि चिकन पक चुकी है, गल चुकी है। या तो फिर आप नाइफ डालकर भी इसमें चेक कर सकते हैं। और ये जो मसाला आपको दिख रहा है इसको हम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसाले को और ऑयल को क्लीन कर लिया है। और उस मसाले को आपको वेस्ट नहीं करना है, आप उसको पराठे या फिर राइस के साथ खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है वो मसाला। तो चिकन तंदूरी में ज़्यादा ऑयल नहीं होता है इसलिए मैंने सारा क्लीन कर लिया है ऑयल। और फुल फ्लेम पर इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी आ जाए। तो दोनों साइड को चेंज करते हुए फ्राई कर लेंगे। और कोयले को मैंने साइड में गर्म होने के लिए रख दिया है। कोयला डालने से बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। तो चिकन हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, तंदूरी चिकन। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कोयले को इसमें रख देंगे। इस पर ऑयल डाल देंगे 1/2 टीस्पून। इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए बिल्कुल भी हटाना नहीं है ढक्कन को। 10 मिनट तक इसको कोयले की स्मोक दे देना है। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन तंदूरी बनकर रेडी है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट में सेम इसी तरीके से बनाई जाती है, तो आप घर पर बनाकर भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।